अगर आपके पीसी या लैपटॉप स्लो हो जाए तो उसे फास्ट कैसे करें, जो दूसरा कमांड है उसे रन करके जो भी हम दिखाने जा रहे हैं। चलिए फर्स्ट कमांड है विंडोज प्लस आर क्लिक कीजिए, देन इंटर कीजिए फ्री फेच, पी आर ई एफ ई टी सी एच, फ्री फेच, देन आप इंटर करके देन यह कंटिन्यू का ऑप्शन पूछेगा, तब कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने फाइल दिखा रहे हैं आप इसे कंट्रोल प्लस ऑल सेलेक्ट करके और डिलीट कर दीजिए, यानी यहाँ शिफ्ट प्लस डिलीट और यस कर देते हैं। जो नहीं हो रहा है डू फॉर ऑल करेंट आइटम है ना स्किप कर देंगे। देन नेक्स्ट कमांड हमारा होगा जो विंडोज प्लस आर और रिसेंट आर ई सी ई एन टी, देन इंटर। जो हमारे रिसेंट फाइल है इन सारों को हटा देंगे शिफ्ट प्लस डिलीट करके, और ताकि रिसाइकल बिन में ना जाए डायरेक्ट डिलीट हो जाए। थर्ड कमांड है विंडोज प्लस आर परसेंट प्लस टैम परसेंट टी ई एम पी परसेंट, देन फिर ओके क्लिक करेंगे, देन फिर वही कंट्रोल प्लस ऑल एंड शिफ्ट प्लस डिलीट और डिलीट कर देंगे। कंटिन्यू परमिशन मांगा था हम कंटिन्यू कर देंगे। देन एक कमांड और हमारा जो विंडोज प्लस आर और टी ई एम पी, देन फिर इंटर करेंगे, देन शिफ्ट प्लस डिलीट और यस, और जो नहीं हो रहा उसे स्किप कर देते हैं। देन विंडोज क्लोज करेंगे। ये तो हमारा वो जो टेम्पररी फाइल सिस्टम जनरेट होता है और डिलीट हो गया, इससे भी हमारा कुछ पीसी फास्ट हो गया। और नेक्स्ट स्टेप पर हम आते हैं, हम डिस्क क्लीन अप पर चलेंगे। इसके लिए हम डिस्क पीसी ओपन करेंगे, ऐसे हमारा सी ड्राइव को राइट क्लिक करके और देन यहाँ प्रॉपर्टी पे आएंगे। प्रॉपर्टी पे आने के बाद यहाँ देखेंगे ड्राइव सी डिस्क क्लीन अप, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे सर्च बार में भी अगर आप डिस्क क्लीन अप डिस्क क्लीन अप यहाँ पे इंटर करके और जिसे जो भी ड्राइव को डिस्क क्लीन अप करना हो वो आप सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। बट हमें यहाँ से चलना है डिस्क क्लीन अप, देने हमारा फाइल कैलकुलेटिंग कर रहा है। अभी हमारा आ चुका है, हम यहाँ पे सारे फोल्ड जो भी हैं फाइल टू डिलीट सारे को सिलेक्ट कर लेंगे एक तरफ से। कुछ ऑलरेडी सिलेक्ट रहते हैं, कुछ को सिलेक्ट करना पड़ता है। इन सारों को सिलेक्ट करने के बाद टोटल अमाउंट ऑफ डिस्क पे देख रहे हैं हम 41 MB होगी। देन आप यहाँ पे ओके क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आर इज श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, देन आप डिलीट फाइल पे क्लिक कर दीजिए। और आप यहाँ देखेंगे एक कुछ मिनट में आपके सी ड्राइव को क्लीन कर देगा। इससे आप देख सकते हैं हमारा सी ड्राइव क्लीन हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप है जो हमारा विंडोज 10 में है वो स्टार्टअप प्रोग्राम को डिसेबल करने का। तो हम यहाँ पे आएंगे और टास्क मैनेजर, यहाँ से टास्क मैनेजर पर क्लिक कर देंगे, देन हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन यहाँ से भी यहाँ टास्क बार पे राइट क्लिक करेंगे तब ये टास्क मैनेजर का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। देन हम टास्क मैनेजर पे आकर स्टार्टअप ऐप है जो भी अभी आपको यहाँ पे शो कर रहा है डिसेबल कर दे, जैसे मैं ऑलरेडी डिसेबल कर रखा हूँ। आप यहाँ राइट क्लिक करके आपको इनेबल डिसेबल दोनों शो करता है, इसे मैं इनेबल कर दिया, राइट क्लिक करके यहाँ डिसेबल आपको शो कर रहा है, आप इसे डिसेबल कर दें ताकि इन सारे ऐपों को विंडोज जैसे ओपन होते हैं पीसी उस समय ना हो और आपका पीसी फास्ट बिल्कुल
फर्स्ट ओपन हो और फिर से फर्स्ट चले। तो इनको चेस्ट अप को करने से के बाद आप देखेंगे आपकी पिस्टी कुछ हद तक काफ़ी फास्ट हो चुकी है।